विल गो टू एक्सप्लोर, यहाँ पे एक केव है, आवाज सुनने को नहीं मिल रहा है। कहाँ चले गए? इस तरह भी ऐसा है, फंस जाएंगे, चलता हूँ। हम केव एक्सप्लोरेशन करते करते वहां से देख। गुड मॉर्निंग, स्वागत करता है आशा ब्लॉग पे। किनका से फालना एट प्रेजेंट फ्रॉम दी पुलवा विलेज, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज जो कि मणिपुर बॉर्डर के एकदम बगल पे बसा हुआ है। और पीछे की तरफ देख सकते हैं गुरुजी आ चुका है, गुरुजी अभी ब्रश कर रहे हैं। गुरुजी कल नींद कैसा रहा आपका? मस्त मस्त भाई, बड़ा चला गया भाई, गांव में गया, इसे आती है लोकल भाषा, तो बातचीत करके ना अपने लिए कंबल शंबल लेके आ गया भाई, ये तो मैं से सो गया। वैसे मेरे पास भी स्लीपिंग बैग अच्छा था, बट नीचे डालने के लिए नहीं है यार, पूरा दिन कमर टूट जाता है ना। मैट था ना तेरे पास? मेरे पास मैट वो नहीं यार, वो तो मजा ही नहीं आता। मेरे पास मैट नहीं था ना, वो तो चींटियों से बचा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठंडा आ जाता है? ठंडा नहीं आता, मतलब वो बॉडी एकदम से ऐसा लगता है प्लास्टर के ऊपर से, मतलब फ्लैट हो गया, थोड़ा बहुत होना चाहिए ना लचक जचक। समझा। तो टुडे आवर प्लान विल गो टू एक्सप्लोर, यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर था, उनका केव है, क्वीन केव बोलता है उसको, तो एंड वहाँ पे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे। एंड अभी का समय हो चुका है ऑलमोस्ट 9 o'clock और ठंडा है हमेशा, रात को एकदम हवा, ठंडी हवाएं, इवन सुबह को भी एकदम ठंडा हवा, क्या बोला जाए। एंड यहाँ पे हम मुँह धो रहे हैं और वहाँ पे हम स्टे कर रहा था, और कल रात जो यहाँ का चेयरमैन है एंड VDB सेक्रेटरी है, उन लोगों के साथ बातें किया और बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम किया, खाना वाना खाया, देन यहाँ पे आके हम सो गया था। हालांकि वो लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड ये है गांव का जो स्पेलिंग, पुलवा विलेज काउंसिल हॉल, ये देखता हूँ। ऐसा रास्ता है जो कि कनेक्ट करता है दिस गांव को विद द पेरेंट टाउन, और ऐसा है गांव का एनवायरनमेंट। अभी ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं है, 20-25 हाउस होल्ड होगा यहाँ पे। यहाँ पे ना जो नेटवर्क मिलता है ना, वो मणिपुर का नेटवर्क मिलता है, मणिपुर का जो टावर होता है ना, उनका नेटवर्क हमारे फ़ोन में आ रहा है, शो कर रहा है। तो ठीक है, चाय वाय पी लेता हूँ। ऐसा है घर का एनवायरनमेंट, मुर्गी उर्गी है, निश्रब ब्रदर भी थोड़ा सा जांच परख रहा है। फैमिली मेंबर्स, फाइनली वी आर इनसाइड द हाउस एंड वी आर हैविंग दिस फिका विदाउट सिगार वाला टी, एंड वी हैव द ब्रदर विद अस। हेलो कुकाई, कुकाई गुड मॉर्निंग, कैसे गया यार लाइफ तो बस्ती थे भाला से ना। इंटीरियर विलेज है आपका, एकदम मीन्स जो बॉर्डर है ना मणिपुर नागालैंड बॉर्डर, उसके बगल पे एक बसा हुआ एक गांव। ठीक है सिस्टर, जय सदे, बाय बाय, थैंक यू। फैमिली मेंबर्स, नीचे चाय वाय पी के हम अभी एक व्यू पॉइंट पे आया हूँ, यहाँ से ना यू कैन व्यू द होल विलेज, वाओ ब्यूटीफुल, लुक लाइक ए वाओ, लुकिंग लाइक ए वाओ। हाँ, और ये जो मणिपुर है ना, मणिपुर जो इस वाले रास्ते से ही मणिपुर जा सकते हैं, मणिपुर को कनेक्ट करता है। एक्चुअली रास्ता तो है नहीं, वहाँ पे जाके एक नदी मिलता है और नदी के ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज है, तो उसी से वो कनेक्शन होता है आना जाना। देन वो सूखा समय में वो नदी से ही गाड़ी चला जाता है, नदी का पानी सूख जाता है ना, ऐसा करके कनेक्शन में। ये पुराने घर थे ना, सेम हम भी ऐसे बनाते थे पहले। हाँ, यस्टरडे वेल कमिंग वी थॉट दैट दिस विलेज विल बी लाइक ट्रेडिशनल हाउसेस विल बी देयर, बट सीन क्या हो चुका है यहाँ पे ना, घर पूरा मॉडर्न हो चुका है, टीना उना लगा के ना, ये देख सकती हो। वाह, तो अभी चलता हूँ, अभी चेयरमैन के घर चलता हूँ। और ऐसा है गाँव का एनवायरमेंट, ये देख सकते हो, ऐसा बैठने लायक जगह भी है, एंड यहाँ पे अंकल लोग है। हाउ आर यू, कैन गाइस, भला से ना। फैमिली मेंबर्स, लेट मी इंट्रोड्यूस द चेयरमैन ऑफ दिस विलेज मिस्टर ए हिसाब, और कैन गाइस अपनी बिसी भला से, बिसी भला से ना। होय यते लाइफ तो कैसा है लाइफ यहां का? हां बिसी एंजॉय आसे, बिसी एंजॉय आसे ना। ओके ठीक आसे, यते आइ किना पहुंची से अलप साबो। हां ठीक आसे, ठीक आसे। आरो एकटा केव आसे ना यते, लाइक फेमस एकटा रानी केव आसे, रानी केव। किमान किलोमीटर होबो यते पुरा? एते पुरा 2 kilometer নিছে থাকি পুনি কি 2 kilometer না? আর এক্স্যাক্টলি তো ম্যাপতে না দেখাই দিয়াতে কিমান মিন্স প্যারেন্ট টাউন পর ইয়াতে কিমান কিলোমিটার হবে? 17 kilometer. ওকে ঠিক আছে, যাবো। তো ফ্যামিলি মেম্বার, ফ্রম প্যারেন্ট টু দিস ভিলেজ ইট উইল বি 17 kilometer, ম্যাপ মে দিখাতা নেই না, এসে কারণ সে এসে পুছা থা মে এন আমি উনকে ঘর পে আউ। এসা হে পাঠ গাঁও কা, বড়ি বিউটিফুল ভিলেজ হে, ঘর পে আগে পৌঁছা হুম চেয়ারম্যান কা ঘর পে, এন ইয়াহা পে হামারা খানা হো রাহা হে। तो यहाँ पे हमारे लिए ये देखिए ना, चिकन बनाया है, चिकन। हम लोग का सोर्स तो अलग है, अच्छा। वो यहाँ पहाड़ी में है। अच्छा, आपका उधर से आता है, वो इधर जा रहा है। बस डन विद द लंच, और बढ़िया तरीके से बॉइल्ड चिकन था,
एंड ये ब्रदर तो वेजिटेरियन है, उनके लिए आलू का मस्त मिला, मेरा भी फेवरेट सब्जी था आलू का सब्जी था। और यहाँ पे एक और यहाँ पे लेट यू नो, यहाँ का जो चेयरमैन है ना स्किलफुल पर्सन है, तो उनका जो स्किल है वो भी दिखाऊंगा अभी। जो है ना हाथ का जो बनाया हुआ दाव हो गया, देन वो हिलाने वाला कड़छी, कड़छी बोलते हैं हिंदी में ना, पता नहीं पर पंजाबी में कड़छी बोलते, स्पून फ्लोक क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश, स्पून है ना, स्पून बनाते हैं। तो हाँ कोई नहीं सर, पार्टी डांगर फंक्शन देन दे यूज स्कूल करने ओए इतु बनाया है। और इतु अपनी निजोर को था रे की कोई ना तगलीतिया, तगलीतिया वो इतु इतु वन सब फिनिशिंग वन है, फिनिशिंग वन है ना, इतु आलू ड्राई ओवर दी दिवो को ने इतु रखा से, ओ दाल हिला बोले बा सब्जी ना, सब्जी हिला वो रखा से, हां बिल फिनिशिंग वन है। हो जो आरो ये दाव का जो हैंडल होता है ना, इसका भी डेकोरेशन करता है, एक्चुअली ये डेकोरेशन का काम करती है। यहाँ पे जो दाव का हैंडल है ना, कितना वेल डिजाइन है देखिए, यहाँ पे यानी यहाँ पे भी ये बेट का बेट है ना, ये केन, हाँ इंग्लिश में केन। ओके तो ये तो अपने खान ये आप बेचते हो ऐसा बना के या कैसा है? मानू लोगों को तो बनाई दी, अगर कोई ऑर्डर देता है तो बना के भी देता है ऐसा है। पूरा होल एज ए होल 600 में दिया जाता है। नागालैंड में लेके घूम सकते हैं, हाँ घूम सकते हो, घूम सकता है, बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, बाहर में तो पकड़ा जाएगा। ये जो है ना सब हैंडमेड है एक्चुअली बाय द चेयरमैन, और ऐसा चेयरमैन बहुत कम मिलता है जैसे गांव में हुए चेयरमैन, एक्चुअली वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है ना, तो इस हिसाब का चीज बहुत कम देखने को मिलता है, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा दिखा दूं, है ना। यहाँ पे ना वेविंग भी हो रहा है, जो जिलियंग मफलर होते हैं, जिलियंग जो ट्रेडिशनल वेयर्स है ना उनका, ऐसा ही है गांव, गांव का एनवायरनमेंट यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम दबा के होता है ना, हम अभी जाएंगे टुवर्ड्स द केव, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं हाई हेलो करके ना, ठीक है सर, अमखान जाएगी ना आइबो बेसि आंटी बेसि थैंक्स आज इन भल बना के ना खिला से हम जाएगी ना और ठीक है ना आइबो। चलो बहुत ब्यूटीफुल विलेज है, यहाँ पे एक कॉमन फ्लावर है, यहाँ पे जो लाल वाला फ्लावर है ना वो हर घर में है यार, क्या बढ़िया तरीके से सजाया गया है, जिलियांग विलेज है सर, वेरी ब्यूटीफुल। इस तरफ से जाने के लिए बोला, जिलियांग नागा विलेज है सर, वेरी ब्यूटीफुल विद द फ्लावरिंग गार्डनिंग, वाह। हम जाएंगे अभी वो केव की ओर, लाइक 2 किलोमीटर ऐसा होगा, तो चलता हूँ। दोनों लोग हैं क्या बढ़िया तरीके से, एक चीज देखिए ना, मैं तो नॉनवेज हूँ मैं तो खा लेता हूँ, लेकिन इनके लिए अलग तरह से सब्जी बना के खिलाए हैं, और वो भी मेरी फेवरेट वाली, वो भी उनकी फेवरेट वाली फ्लास्टिन आलू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पैदल आ चुका हूँ, 1.5 किलोमीटर ऐसा होगा, अभी तक एक भी गाड़ी पास बाय नहीं हुआ है, अभी यहाँ से पहुँचा नहीं वो वाला जगह, एक्चुअली वहाँ पे एक मोनोलिथ भी बना हुआ है, तो वहाँ से हमको अंदर जाना के साथ चले जाएंगे। जा बढ़ो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमको लिफ्ट मिल चुका है, और थोड़ा दूर हम ऐसे गाड़ी में जाएंगे, जहाँ पे केब होगा वहाँ पे उतर जाएंगे। थैंक यू दे, बाय बाय। तो यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, पुल वाइज देन यूनियन रिजर्व फॉरेस्ट, वाह यहाँ पे फॉरेस्ट भी रिजर्व करके रखा है, देन यहाँ पे फिजो हाइड आउट रानी गाइडिन लियो केव, वहाँ पे जा रहा हूँ, फिजो हाइड आउट एंड रानी गाइडिन लियो केव, उसमें जाएंगे हम, और वाह एकदम नागालैंड का एक कोने पे ये वाला केव है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे पार्किंग भी बना के रखा है गाड़ी के लिए, तो इस हिसाब से हम जा रहा हूँ, एंड जो केव है ना एक्चुअली रानी गाइडिन लियो, वो एक यहाँ का फ्रीडम फाइटर था, एंड ब्रिटिश जो फोर्स था ना उनको ढूंढ रहा था जंगल जंगल में, तो उसके कारण से वो छुपने के लिए वो वाला केव में होल करता था उनका ट्रूप्स के साथ, तो उसी हिसाब से उस केव का नाम रानी गाइडिन लियो हो गया,
एंड उस हिसाब से हम अभी उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। मिला देन यहाँ पे वो पब्लिक टॉयलेट भी बना के रखा है, ये देख सकते हो। वो ऐसा घर बना के रखा है बाय द स्टूडेंट यूनियन, और इस तरफ जाना होगा। तो हम मेन रोड से 200-300 मीटर आगे आ चुका हूँ और हम शायद पहला बंदा होगा विदाउट एनी गाइड। हम केव देखने के लिए जा रहे हैं। गाइड ही लेना पड़ता है, कोई कोई तो लेता होगा। तो पहला बंदा कैसे हुआ? मैं तेरे साथ गाइड ही हूँ। ओह पार्थ, अपने आप को अकेला मत समझो। ओके और पूरा एकदम पीसफुल फॉरेस्ट है, एकदम कोई एक सीरिया का भी आवाज सुनने को नहीं मिल रहा है। कहाँ चले गए? हवा और हार्ट बीट सुनाई देती है। हाँ हवा और ये वाला हार्ट बीट। यहाँ पे कुछ देखने को मिला है हमको, ये ऐसा पत्थर है क्या? यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक है ये पत्थर। वो और इतना पत्ता है, क्या है, थोड़ा सा भूतिया भूतिया जैसा लग रहा है ना जगह। फिल्म की शूटिंग के लिए बड़ी जगह है ये पत्थर देखिए कैसा डिजाइन बना के रखा है यहाँ पे। भी है ऐसा सिटिंग स्पेस भी है एंड वहाँ देख सकते हो पूरा रास्ता का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मे बी दैट पार्ट इज मणिपुर, कंफर्म तो नहीं हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, ऐसा रानी गाइडेनलू केव 2003 में। वाओ चलता हूँ इस तरफ का दिखा रहा है रास्ता, इधर ही चलता हूँ। जेंटलमैन हम कुछ इस हिसाब से ट्रैकिंग हो रहा है हमारा। अच्छा है ये, अच्छे से बनाएंगे। उस समय में वो जो फ्रीडम फाइटर था ना, किस हिसाब से यहाँ पे छुपा होगा ना, डर भी लगता है। यहाँ पे थोड़ा स्केरी वाला सीन भी है। ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। आओ जो जो नागा लोग देख रहे हो ना यहाँ पे आओ, आप आ जाओ आप थोड़े मजबूत हो। तेरे साथ लेडीज एंड जेंटलमैन। पर यहाँ ना कम टूरिस्ट आता होगा ना, है ना? कमती आता होगा यहाँ पे, कम लोग तो कम आते होंगे यहाँ पे। जाएगा अभी ओके। किस हिसाब का केव है ये? जाना कहाँ है हमको? केव तो यही पे खत्म हो गया। लेकिन ये रॉक देख के बहुत ये वाला कम भयंकर लग रहा है। कहाँ पे है ये पता नहीं कहाँ पे है, फिर भी ये वाला भयंकर लग रहा है ना। क्या हुआ इसके अंदर? केव कहाँ है? हमको केव नहीं मिल रहा है। शायद इसके नीचे भी जाना पड़ेगा शायद। केव तो है नहीं है, केव चोरी हो गया। कुछ दिखा है हमको। ओ क्रेडिट मुझे देना, मैंने ढूंढी है। कहाँ ये वाली केव? ये क्या है, केव है क्या ये? अच्छा किसने ढूंढी है पहले बता तो दे। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। बोल सकता है ऐसे तो। एक्चुअली छोटा सा केव है ये, छोटा केव है, अंदर जाके देखता हूँ। भाई बड़ा बहादुर है बंदा, जा रहा है सीधा। ऐसा वाला केव है वो, यहाँ पे सुप चकता है वे आराम से। डर भी लगता है पत्थर उत्थर गिर जाएगा तो। क्या स्टोरी है इसकी? ऐसा वाला केव है ना, जो रानी था, जो क्वीन था और उसका जो ट्रूप्स था ना, यहाँ पे छुप जाते थे जब ब्रिटिशर्स आते थे उनको फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा ऐसा है। लेकिन वो बाद में ना, वो जो क्वीन था रानी गाइदनलू, रानी गाइदनलू वो असम चला गया, असम का दिमासाओ डिस्ट्रिक्ट में चला गया। और होना चाहिए, ये छोटा सा ही है और नहीं है क्या? आई थिंक ये वाला केव नहीं होगा, ये हाइड आउट होगा छुपने का जगह। ऐसा है ये देख सकते हो अंदर, इस तरफ भी ऐसा है। फंस जाएंगे, चलता हूँ जल्दी जल्दी बाहर। हम केव एक्सप्लोरेशन करते करते घूमते घूमते ऐसे करके आ रहा हूँ। वहाँ से देख खिड़की टाइप का होगा, देख खिड़की टाइप का है वहाँ पे, उस पेड़ के उस तरफ से देख, दिखा ऊपर से देख, वहाँ पे ऊपर ना खिड़की टाइप का कुछ था। आप लोगों को दिखाऊंगा, रुको कैमरा वो लंबा करके।
चढ़ना आसान है उतना मुश्किल है। चल अलग अलग जगह देखता हूँ। रानी की फॉल्स को ये क्या चीज है? यहाँ भी मैकडॉवल पहुंच चुकी है भाई। नागालैंड के जंगलों के बीच भी मैकडॉवल है भाई। ट्रिप्लेक्सरम यार। ट्रिप्लेक्सरम। चलो यार नीचे से जो दिख रहा था ना वो खिड़की टाइप का दिखाता हूँ, रुकिए आपको वो रहा वो ऊपर जो दो है ना वहां पे देख रहे हैं ना सम काइंड ऑफ लाइक आई like two eyes mountain eyes हाँ mountain eyes जैसा है। अभी नीचे उतरता हूँ। तो ladies and gentlemen निकल चुका हूँ। ये वाला केव हमने बहुत ढूंढा लेकिन वो लंबा वाला केव हमको नहीं मिला। दो जगह देखा हमको उसी में थोड़ा सा देख के अभी वापस जा रहा हूँ। टाइम हो चुका है 1:30। लेट्स मूव लेट्स गेट बैक। सो फैमिली मेंबर्स उस समय वहाँ पे घूम फिर के अभी फिर से गांव पे आके पहुँचा हूँ। एंड यहाँ पे मैं हाथ मुँह धोया, ऐसा पानी का सिस्टम है एंड ऐसा कुछ अभी का एनवायरनमेंट। इवन फाइनली चाय चीयर्स। जो टाइम देख रहे हैं ना हमें ये टाइम नहीं है, जिंदगी निकल रही है हमारी। टाइम साला खेदा चाहिए पर हमारी जिंदगी वापस नहीं आई। जिंदगी नहीं मिल रही। लग रहा है मैं समझदार हो गया, डीप मीनिंग वाली बातें कर रहा। सही बात बड़ा। ये जो पल है ना ये कभी लौट के नहीं आएगा, वही बोल रहे हैं। ये पल जो मणिपुर बॉर्डर के किनारे पे ऐसे बैठ के पुलवा पुलवा भाई फिर से आए। हाँ। मैं ना आऊँ साथ में तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा, इसकी कदर करो है ना। और जो देख रहे हैं ये सारा पास्ट वेज आ रहा है सेकंड मिनी सेकंड में। तो ऐसा रहता है यहाँ का गांव का जो लाइफ बहुत पीसफुल होता है। और ये एक्चुअली ना जो ओल्ड विलेज है ये छोटा विलेज है एंड जो न्यू पुलवा विलेज है वो बड़ा विलेज है। अच्छा दूर है वाला। बच के रो भाई, फरवरी मंथ है, कईयों के दिल टूटेंगे सच्ची यार। समझ रहे हैं, हमने तो ये दौर निकाल दिया है। सही बोला, बड़ी खराब दुनिया है, छीन के ले जाती है। ऐसी जगह पे चाय मिल जाए ना यार, चाय इसके साथ कितना मजा आया यार, है ना। तो है ये भी कोई पुण्य करे हमने सच्ची जो आज हमें अच्छा ऐसा है वो मिला है। सच्ची यार जो आंखों से व्यू देख रहा हूँ ना वो कैसे शब्दों में बयान करूँ समझ नहीं आ रहा है। इधर सनसेट हो रहा है सामने, उस तरफ सनसेट, उस तरफ गांव, बैठे हुए ऐसा जगह पे, कोई क्राउड कोई चिल्लाए नहीं रहा, बिल्कुल शांति शांति। बस एक आवाज़ आ रही है हवा की, दूसरी है मुर्गियों की जो कि माइंड फ्रेशिंग क्या बोलते हैं, माइंड फ्रेश आवाज़ होती है ना। हाँ नेचुरल होता है वो तो ना, गारेगा टीटू टाटा वो सब तो नहीं है ना भाई। सही है। तो वहाँ पे सो फैमिली मेंबर्स नाउ हैविंग फूड एंड आज खाने में वी हैव चिकन विद योंगचाक एंड द राइस, लोकल राइस। यहाँ पे देख सकते हो आग, बहुत ठंड है इसके कारण से। योंगचाक तो की कोई है निजोर कथा दे जिलियांग का गंपी 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 ओके गंपी बोलता है इसको। ठीक है खाना खाता हूँ। इस तरफ पापड़ भी है, इस तरफ अचार। तो मैं ना चिकन जो है ना योंगचाक के साथ पहली बार खा रहा हूँ, आज मैं पहली बार खा रहा हूँ। इनका टेस्ट आया है और बेसी भाव से हो टेस्टी हो इसे बेसी थैंक्स से। तो पहली बार खा रहा हूँ, वहाँ के टेस्ट होता है बढ़िया है, स्पाइसी है। तो फैमिली मेम्बर्स आफ्टर द डिनर वहाँ पे बहुत सारा बातें बातें किया एंड वहाँ पे फैमिली मेम्बर भी मिल गया था तो बहुत अच्छा लगा। दीव के रिदा, थैंक यू को जिलियंग में दीव के रिदा बोलता है। एंड आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा एंड चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर करना और पहले से जुड़े हुए तो चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड पहले से जुड़े हुए तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है तो मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहना, खाना पीना खा लेना, कल मिलते हैं ना।